दोस्तों बाजार में हमारी जो इंडियन करेंसी है वो कंटिन्यूसली नया रिकॉर्ड लो बना रही है, यानी कि हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में कंटिन्यूसली गिरते जा रही है। लेकिन इसके बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर का अभी भी मानना है कि इंडियन रुपीस की जो पोजीशन है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है अदर कंट्रीज की करेंसी से अगर कंपेयर करें तो। नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी ये सही लगता है। चलिए, ये तो बात हो गई फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट की, लेकिन आगे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी क्लियर किया है, इसी के साथ इंडिया जितने भी फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट है वो अब डॉलर में डील नहीं करते हुए इंडियन रुपीस में डील करने की बात कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड द आरबीआई इज नॉट एमिंग एट फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, आरबीआई इंटरवेंशन इज मोर टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस इन करेंसी, वी नीड टू इंश्योर दैट द फ्लक्चुएशन इज नॉट सर्व, शी सेड एडिंग दैट द फॉल इन रुपी। तो यहां पर अब इंडिया चाहता है कि उसके जितने भी फॉरेन रिजर्व उसके पास ऑलरेडी हैं उसे जितना ज़्यादा कम हो सके यूज किया जाए, और इसी को लेकर जो अब इंडियन रुपीज है उसमें यहां पर डील करी जा रही है। अब देख पाएंगे सीतारमन सेड द सेंट्रल बैंक हैज यूज नियरली 75 बिलियन US डॉलर टू स्टॉप फ्लक्चुएशंस एंड सर वॉलिटिलिटीज इन रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। तो यहां पर काफी बड़ा स्टेटमेंट हमें फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है कि इस साल के आखिरी तक जो इंडियन रुपीस की वैल्यू है जो कि 81 रुपीस पर देखने को मिल रही है आपको डॉलर के कंपैरिजन में, वो अगेन 78 रुपीस तक आते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट के लिए एक और पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है, वो है यूएस डॉलर इंडेक्स की तरफ से। कल के दिन यूएस डॉलर इंडेक्स $114 पर पहुंच चुका था, लेकिन आज के दिन हमें इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है जिसका सीधा असर हमारी इंडियन रुपीस पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अगेन हमारी इंडियन रुपीस के अंदर एक काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आरबीआई की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहां पर कंटिन्यूसली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है और ये रिपोर्ट पब्लिश करी जा रही है। लेकिन यहां पर यह देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कल के दिन जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है उसमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो 28 सितंबर से लेकर यानी कि कल से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है उसके डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के लिए। तो एक भी अपडेट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जैसे ही अपडेट्स निकल कर आएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जहां पर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले शेयर्स का नाम है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए यानी कि आज ही के दिन लगभग 1 से 1.25% की तेजी हमें शेयर्स के अंदर देखने को मिली है। अमर राजा बैटरीज लिमिटेड की बात करी जाए तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से यहां पर कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है इनके प्लास्टिक कंपोनेंट और इनके बैटरी बिजनेस को डीमर्ज करने के लिए, यानी कि अभी तक जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स का रेवेन्यू था जो कि मार्च 2022 में हमें 569 करोड़ रुपए का देखने को मिला था वो अभी तक अमर राजा बैटरीज के अंदर ही मर्ज किया जाता था यानी कि इंक्लूड किया जाता था। लेकिन अब इन दोनों कंपनियों का डीमर्जर हो जाएगा, दोनों कंपनियां सेपरेट हो जाएगी, जिसके चलते अब सिर्फ आपको यहां पर जो अमर राजा बैटरीज के फाइनेंशियल नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे वो सिर्फ इनके बैटरी बिजनेस के ही आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम पर अगर हम अमर राजा बैटरीज लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू अब जून क्वार्टर्स में देखेंगे तो 2,620 करोड़ रुपए का कंपनी ने यहां पर रेवेन्यू जनरेट किया था। इसमें सबसे पहले यहां पर प्लास्टिक कंपोनेंट का भी रेवेन्यू इंक्लूड था लेकिन अब ये सेपरेट हो जाएगा, तो काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। आज के दिन मार्केट पॉजिटिव था लेकिन बालाजी एमाइंस के अंदर अगेन हमें लगभग 3 से 3.5% की गिरावट देखने को मिली। अल्टीमेटली बालाजी एमाइंस के अंदर काफ़ी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है, आप देख पाएंगे पिछले 10 दिन के अंदर ये शेयर लगभग 12% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुका है। बात करें बालाजी एमाइंस को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो आप देख पाएंगे बालाजी एमाइंस के मैनेजमेंट हेड की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल मिल चुका है डीएमसी प्लांट को एस्टेब्लिश करने का, साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से यानी कि 150 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू ग्रोथ की जो कि इनके नए प्रोडक्ट्स जो इन्होंने एड करे हैं उससे जनरेट होने की, साथ ही साथ यहां पर कैन डू रेवेन्यूज 100 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट दिस ईयर एंड
मेथनॉल प्राइसेस हैव बीन स्टेबल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, कंफर्टेबल विथ करंट मेथनॉल प्राइसेस। तो यहाँ पर जो इनके मेथनॉल के प्राइसेस थे जो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, अब वो हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने 4 नए प्रोडक्ट्स इनकी पाइपलाइन के अंदर इंक्लूड किए हैं और आने वाले 7 से 8 महीने में इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलने वाली है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो इनके नए प्रोडक्ट्स हैं उससे 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रही है और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक लगभग 2400 से लेकर 2500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को जनरेट करने की बात कर रही है। इस साल में कंपनी 700 से 750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने की एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रही है। मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट तो काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट पर कंपनी कितनी खरी उतरती है ये तो हमें आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट में ही देखने को मिलेगा। तो यदि आपने बालाजी एमाइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप 3190 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजिशंस को यहाँ पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है यस बैंक लिमिटेड। आज के दिन यस बैंक लिमिटेड के लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन यस बैंक लिमिटेड के सीईओ एंड एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है काफ़ी टाइम बाद। आप देख सकते हैं आज के दिन हमें इस कंपनी के अंदर लगभग 2 से 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी बीच बात करें कि क्या स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर प्रशांत कुमार ने क्लियर कर दिया है कि Q3 के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q3 के नंबर्स के अंदर जो इनके NPAs इन्होंने सेल किए हैं वो रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि कंपनी के NPA पूरी तरीके से रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो यदि आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यस बैंक के अच्छे दिन वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी कहना चाहूंगा फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा आप इस शेयर्स को अभी भी अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को लेकर एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है, अपडेट ज़्यादा बड़ी नहीं है इसलिए इसे शॉर्ट में मैं खत्म करना चाहूँगा। HCL टेक्नोलॉजीज ने आज के दिन एक न्यू ब्रांड आइडेंटिटी और लोगो यहाँ पर लॉन्च किया है, आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम है HCL टेक सुपर चार्जिंग प्रोग्रेस। अल्टीमेटली कंपनी अपनी ग्रोथ को यहाँ पर इस लोगो के थ्रू यहां पर बता रही है और साथ ही साथ IT स्टॉक्स कंपनियां काफी ज्यादा फोकस में रहने वाली है, तो इस कंपनी के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शेयर्स की तरफ जिसका नाम है एक्साइट इंडस्ट्री लिमिटेड। एक्साइट इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आज के दिन हमें मार्केट क्लोज होने के पहले यहां पर 2% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें इस तेजी के पीछे की क्या वजह है तो आप देख पाएंगे आज ही के दिन यानी कि 27 सितंबर 2022 के दिन एक्साइट इंडस्ट्री ने इंडिया का फर्स्ट मल्टी गीगावाट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट मल्टी गीगावाट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जैसा कि आपको बताओ लिथियम आयन बैटरी बनाने में एक्साइट इंडस्ट्री का नाम सबसे ऊपर निकल कर आता है और आने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के टाइम पर इस कंपनी की ग्रोथ हमें काफ़ी तेजी से देखने को मिलने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप लिथियम आयन बैटरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्साइट इंडस्ट्री को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एट द एंड बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के IPO के सेकेंड डे के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 26 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में हमें ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड का IPO देखने को मिल रहा है। सेकेंड डे भी इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कोई खास नहीं रहा है। NII की तरफ से 0.43 टाइम सब्सक्रिप्शन और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से 0.3 टाइम सब्सक्रिप्शन ही देखने को मिला है, यानी कि ओवरऑल बात करी जाए तो सिर्फ 0.38 टाइम्स ही सब्सक्रिप्शन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 4 रुपये हमें देखने को मिल रही है, यानी कि अभी के टाइम पर जहां पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है आप इस IPO को अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।